गणेश प्रखंड बजरंग दल की ओर से कोटा के चावला सर्किल पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। चीन की ओर से की गई कायरतापूर्ण घटना से भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से देश में चीन के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री मुकेश जोशी ने यह बताया कि अब भारत भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा और जनता चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करेगी। वहीं उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और जनता को चीनी सामानों का बहिष्कार करने की शपथ भी दिलाई। पूरे देश में आक्रोश से और इस आक्रोश को लेकर के बजरंग दल ने राष्ट्रव्यापी एक आह्वान किया है कि हम इस देश के अंदर से चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे। सेना हमारी वहां लड़ेगी पर देश के देशवासी और चीनी सामान का उत्पाद नहीं खरीद के और चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। यही हम जनता के साथ में जाकर के और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के और जनता को संकल्प दिला रहे हैं कि चीन की वस्तु का बहिष्कार करना है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।